بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه رسول كريم صلى الله عليه وسلم کے وہ عظیم شان صحابی جن کے بارے میں امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی میرا تمہارے ساتھ رشتہ میری تمہارے ساتھ نسبت تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے ہاں ایک فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو رشتہ داری جو نسبت جو تعلق ہارون سے تھا ہارون بھی نبی تھے میری تمہاری محبت تو ویسی ہی ہے تعلق تو ویسا ہی ہے لیکن لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کے تربیت یافتہ انسان آپ کے ہاتھوں پہ آپ کے سائے تلے آپ کے گھرانے کے اندر تربیت پانے والے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھنے والے ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کو گرا لیا اس کے سینے پہ سوار ہو گئے تلوار اٹھائی چلانے کے لیے کہ اس کافر نے آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا سیدنا علی نے اس کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے کہنے والے نے کہا آپ تو اس پہ قابو پا چکے تھے پھر اپنی تلوار کو کیوں روک لیا کہا اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا میرے دل کے اندر یہ ڈر آیا کہ کہیں اس کو مارنے میں اللہ کی رضا کے ساتھ میرا اپنا ذاتی غصہ نہ داخل ہو جائے جن کے پاس طاقت بے بہا وقت کے خلیفہ ہیں مسلمان حکمران ہیں لیکن اپنی طاقتوں کو کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کیا سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ وارضا ان کی زرہ گم گئی بازار میں دیکھتے ہیں کہ یہودی کے پاس نظر آتی ہے اور اس یہودی سے کہتے ہیں یہ تو میری ہے گم ہو گئی تھی آج تمہارے پاس نظر آئی ہے وہ کہنے لگا نہیں یہ تو میری ہے اب یہ وقت کے مسلمان حاکم ہیں چاہے تو چھین لیں چاہے تو اس کو گرفتار کروا دیں طاقت ان کے ہاتھ میں ہے حکومت ان کے ہاتھ میں ہے
लेकिन ये इस्लाम का अमली नमूना पेश करने वाले कहते हैं अच्छा आओ फिर अपने इख्तलाफ को अदालत के दरवाजे पे ले जाते हैं और कादी से फैसला करवाते हैं। कादी शुरह की अदालत में गए, कहा ये सिरहा मेरी थी, गुम गई थी, आज इसके पास मुझे नजर आई, ये मेरी है और ये मानने पर तैयार नहीं है। कादी उस यहूदी से पूछते हैं अली जो कह रहे हैं तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वो इनकार करता है कि नहीं ये तो मेरी अपनी है। कादी सैयदना अली से कहते हैं तुम्हारे पास अपने दावे की कोई दलील है, कोई गवाह है? कहा हाँ मेरा बेटा गवाही देने के लिए तैयार है और मेरा गुलाम गवाही देने के लिए तैयार है। गवाह कौन ला रहा है? जो खलीफतुल मुस्लिमीन है। गवाह कौन ला रहा है? जिसके हाथ में हुकूमत है। कादी जवाब में कहते हैं कि बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं होती, आका के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं होती। सैयदना अली कहते हैं मेरा बेटा कोई आम बेटा तो नहीं है, मेरा बेटा तो वो है जिसको इमामुल अंबिया इमाम आजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के नौजवानों के सरदार मुकरर कर चुके हैं, उसकी खुशखबरी दे चुके हैं अल्लाह की तरफ से। कहा जो कुछ भी हो बेटा तो आपका है, ये कानून है कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं होती, गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल नहीं होती, लिहाजा मेरा फैसला ये है कि ये ज़िरा यहूदी के पास रहेगी, ये इसी की है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा अदालत के इस फैसले के सामने अपनी गर्दन को झुका देते हैं, कहते हैं मुझे मंजूर है जो फैसला आपने किया है, मेरा भी यही फैसला, मैं आपके फैसले को मानता हूं। यहूदी हैरान कि ये मुसलमानों का अजीब दीन है, ये मुसलमानों के अंदर अजीब कानून की मसावात है, ये खलीफतुल मुस्लिमीन इस्लामी हुक्मरान और अदालत के फैसले पर अपनी गर्दन को झुका देता है। वो ऐलान करता है कि आप भी सच्चे हो, आपका दीन भी सच्चा है, ये जिरा मेरी नहीं सैयदना अली की है, मैं इनको लौटाता हूं और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर अहले ईमान में शामिल हो जाता है। वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा शहीद हुए तो फिर ये मुसलमानों के अमूर के जिम्मेदार बनते हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी नबी के घर में गुजारी, नबी की तरबियत गह में गुजारी, नबी के साथ रहते हुए गुजारी और हर मौके पर नबी के साथ रहे। फतह मक्का के बाद अरब कबाइल बड़ी कसरत से इस्लाम में दाखिल होने लगे और जाहिर ख्याल यही हुआ कि अब अमन व अमान, सकून और शांति का दौर दौरा होने वाला है, लेकिन ये ख्याल चंद दिनों के लिए और कुछ वक्त के लिए रहा। मुसलमानों को खबर मिली कि कुफार तैयारी करके मुसलमानों पर हमला करने के लिए रूम का बादशाह अपने लश्कर को लेकर आ रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बढ़ते हुए तूफान के मुंह को रोकने के लिए मुसलमान फौज लेकर उसके मुकाबले के लिए निकलते हैं और 30,000 मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आका अलैहि सलातु वसलाम चलते हुए सैयदना अली को मदीने में अपना कायम मकाम बनाकर जाते हैं। इधर मुनाफिकीन का टोला सैयदना अली को ताने देता है, उन पर तंज करता है कि आप मैदान जिहाद से पीछे रहने के लिए यहां पर रुक गए हो। सैयदना अली जिनकी जिंदगी ही मैदान जिहाद में गुजरी, जो लड़ते हुए अल्लाह के शेर की तरह कुफार पर झपटा करते थे, इन तानों को बर्दाश्त न कर सके, असलहे को अपने सीने पे सजाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक हर मैदान के अंदर मैं आपके साथ रहा, हर मैदान के अंदर मैंने मुकाबला किया, लेकिन आज
पता नहीं किस वजह से मुझे आपका साथी बनने से महरूम रहा, मैदान जिहाद में आपके साथ ना आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के जज्बात को समझते हैं और मोहब्बत से अली की तरफ देखकर कहते हैं, अली क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मेरा तुम्हारे साथ वही ताल्लुक है जो मूसा को हारून के साथ था, जो मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम को हारून के साथ ताल्लुक था वही मेरा ताल्लुक तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं और मूसा के बाद हारून भी नबी थे। सैयदना अली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वापस मदीने आकर नबी की लगाई हुई ड्यूटी को पूरा करते हैं। ये तबूक का सफर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे और वापस आकर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा को यमन की तरफ रवाना करते हैं कि कबीले को इस्लाम की दावत दे। सैयदना खालिद वहां पर पहुंचते हैं लेकिन ये कबीला इस्लाम लाने के लिए तैयार नहीं होता, वापस लौट आते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली को रवाना करते हैं और कबीला हमदान की तरफ एक खत भी उनके हाथ में देते हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा इस खत को लेकर, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के इस पैगाम को लेकर यमन पहुंचते हैं और उनके सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उनको पढ़कर सुनाते हैं और बड़े दिलनशीन अंदाज में उनके सामने इस्लाम की सच्ची और सुच्ची दावत भी पेश करते हैं। एक तरफ नबी का खत है, एक तरफ अली का अंदाजे बयां है जिनके बारे में सहाबा कहा करते थे हमारे अंदर सबसे बेहतरीन काजी भी अली है और बेहतरीन खतीब भी अली है रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा। कुफार के दिल इस्लाम के लिए खुल जाते हैं और वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हिजरत के 10वें साल सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा को कबीला मदहिज को इस्लाम की दावत देने के लिए यमन की तरफ रवाना किया गया। 300 सवार सैयदना अली के साथ हैं, वो इस कबीले में पहुंचते हैं, इनको इस्लाम का पैगाम देते हैं लेकिन ये कबीला ये अहले यमन लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सैयदना अली के साथ सिर्फ 300 हैं। आप भी अपनी सफों को सीधा कर लेते हैं, अगरचे तादाद थोड़ी है लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ये आपके साथी, ये आपके तरबियत याफ्ता जिनकी नजरें तादाद पर नहीं हुआ करती, अल्लाह की मदद पर हुआ करती। जबरदस्त जंग होती है और वो कुफार शिकस्त खाते हैं। उनके कबीले का सरदार सैयदना अली के पास आता है और आकर मुसलमान होता है और कबीले के कुछ और लोग भी मुसलमान होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली को 3 माह के लिए इसी इलाके में काजी मुकरर करते हैं और सैयदना अली यहां पर रहकर अपने कौल से, अपने फेल से इन लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। इसी साल सैयदना अली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने की सआदतमंदी भी पाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली को कुर्बानी के ऊंटों का गोश्त तकसीम करने की जिम्मेदारी देते हैं और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज है। ये हज्जतुल विदा है। इससे वापसी पर आका अलैहि सलातु वसलाम बीमार हुए और हिजरत के 11वें साल इस दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अली ने दूसरे सहाबा के साथ मिलकर आपको गुसल दिया और फिर उसामा बिन ज़ैद, अब्दुर्रहमान बिन औफ और फजल बिन अब्बास के साथ मिलकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा। नबी की वफात के बाद मुसलमान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा के हाथ पर इकट्ठे हो जाते हैं, बैत कर लेते हैं, उनको अपना खलीफा चुन लेते हैं और अबू बकर सैयदना अली से बड़ी मोहब्बत करते हैं, खिलाफत के मामलात में उनसे मशवरे करते हैं। इसीलिए जब सैयदना अली से सवाल हुआ था उनकी खिलाफत पर बैठने के बाद कि अबू बकर और उमर उस्मान के दौर में इतने फितने नहीं थे जितने आपके दौर में हैं, इसकी क्या वजह है, तो आपने कहा था अबू बकर उमर उस्मान का मुशीर मैं था, उनको मशवरे मैं दिया करता था, मुझे मशवरे तुम देते हो, मेरे मुशीर तुम हो, उनका मुशीर मैं था। सैयदना अबू बकर अपने खिलाफत के मामलात में सैयदना अली से मशवरा लेते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 माह बाद
फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी फौत हो जाती हैं। सैयदना अली के लिए ये दूसरा बड़ा सदमा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात और फिर आपकी लखते जिगर की वफात। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वर्दाह को अपनी खिलाफत की इब्तदा में जिन बड़े मसाइल का सामना रहा, उनमें से एक मसाला ज़कात का इनकार करने वालों का गिरोह, और दूसरा मसाला वो अरब कबाइल जो नए नए मुसलमान हुए थे और नबी की वफात के बाद दीन इस्लाम से फिर गए, इनके खिलाफ जब जंग हुई तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा अबू बकर सिद्दीक के साथ भरपूर इस जंग में आपकी मदद करते रहे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा 10.5 साल खिलाफत का ये दौर उन्होंने मशवरों के लिए कमेटी मुकर्रर की और सैयदना अली सैयदना उमर की इस कमेटी के रुकन रहे। सहाबा और अहले बैत के दरमियान इख्तलाफात की झूठी खबरें नशर करने वालों, अगर अली अबू बकर उमर से इख्तलाफ करते, इनका आप इसके अंदर दुश्मनी होती, मोहब्बतें ना होती, तो ये अबू बकर को मशवरे क्यों देते, ये उमर की शूरा के रुकन क्यों बनते। अगर अबू बकर उमर ने इनकी खिलाफत को छीना होता तो ये गासिब और जालिम की मजलिस के रुकन ना बनते। ये तो उनसे मोहब्बत करने वाले, ये उनको मशवरे देने वाले। इसीलिए सैयदना उमर ने फरमाया था कि हम में से सबसे बड़ा काजी, सबसे बेहतर जज वो अली बिन अबी तालिब है रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा। 16 हिजरी में आइए सैयदना उमर की सैयदना अली से कितनी मोहब्बत, इसकी दलील भी सुनिए। 16 हिजरी में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा बैतुल मक़दस की चाबियां लेने के लिए रवाना होते हैं। कायम मकाम किसको होना चाहिए था, बेटे को बनाते ना, अब्दुल्ला को बनाते, किसी और को बनाते, निगाह इंतखाब पड़ती है उमर की तो सैयदना अली पर पड़ती है। सैयदना अली को कायम मकाम खलीफा बना करके अपने पीछे मुसलमानों का जिम्मेदार करार दे करके, और याद कर लीजिए यहां इस असूल को भी, सहाबा और अहले बैत के दरमियान दुश्मनी की झूठी बातें करने वालों, अगर उमर शहीद हो जाते या तबीयी मौत मर जाते तो मुसलमानों का खलीफा कौन बनता, अली। कन्फर्म बात है, वो खुद मुकरर करके गए हैं तो खिलाफत उन्हीं को मिलती, वही बनते, और अगर वो उमर के दुश्मन होते तो उमर कभी उनको इस मकाम पर बिठा कर न जाते, और अगर नऊज़ु बिल्लाह उमर मोमिन नहीं थे बकौल तुम्हारे, उनका ईमान दुरुस्त नहीं था, तो अली एक जालिम जाबिर काफिर की हकूमत में कायम मकाम क्यों बने। अच्छा चलो बन गए, जब उमर बैतुल मक़दस से वापस आए तो अली ने खिलाफत उनके हवाले वापस क्यों कर दी, अगर ये इनका हक था तो कब्जा किया हुआ था, मिल चुकी थी, उस पर काबिज रहते, वापस ना करते। वापस कर देना दलील है कि अली जानते थे कि ये खलीफा पर हक है, उनकी इनसे कोई दुश्मनी लड़ाई और जंग नहीं थी। सैयदना उमर के दौर में जब ईरानियों से मुकाबला हुआ, उनका लश्कर मुसलमानों की तरफ बढ़ा, मुसलमान लश्कर कुफार की तरफ बढ़ा, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा ने खुद इस लश्कर की कमान संभाल कर मुकाबले के लिए जाना चाहा, तो सबसे पहले एतराज सैयदना अली ने किया रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा, और उन्हें मना किया कि आप ना चाहिए, अपनी जगह पर किसी और को भेजिए, और उमर अली का मशवरा मानकर उस लश्कर की सालारी को लेकर नहीं निकले बल्कि किसी और को मुकर्रर करके भेजा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा जब कातलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए और बचने की उम्मीद ना रही, तो उन्होंने मुसलमानों को खिलाफत के लिए 6 नाम पेश किए। सैयदना उमर ने 6 नाम पेश किए, और उन नामों में सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना सैद बिन अबी वकास, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना जुबैर बिन अवाम और सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये 6 नाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा मुसलमानों को पेश करते हैं कि इनमें से जिसको चाहो तुम अपना खलीफा मुकर्रर कर लो। ये अशरा मुबशरा में से बाकी लोग जिनके लिए अहले जन्नत होने की गारंटी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, उनमें से कुछ लोगों को सैयदना उमर मुसलमानों पर पेश करते हैं, जिसको चाहो इनमें से अपना खलीफा मुकर्रर कर लो। सैयदना उस्मान मुंतखब हुए
और फिर अली ने उनकी भरपूर मदद की। बल्कि जब हजरत उस्मान के खिलाफ बागियों ने बगावत की तो उस्मान की तरफ से बागियों को समझाने के लिए जाने वाले अली हुआ करते थे, उनके एक एक एतराज का जवाब देने वाले अली हुआ करते थे। उस्मान के दरवाजे पर पहरे के लिए अली ने अपने बेटे हसन हुसैन को खड़ा किया था। पानी मिश्की से भरकर और कुछ खाना अली ने भेजा था सैयदना हसन हुसैन के हाथ, जाओ अपने खालू को पानी देकर आओ। तुम लड़ाई की बात करते हो, यहां मोहब्बतों के मंजर नजर आते हैं। ये लड़ाई तुम्हारे दिलो दिमाग में होगी, सहाबा और अहले बैत में कोई लड़ाई न थी, ये तो मोहब्बत करने वाले। शहादत उस्मान के बाद मुहाजरीन और अंसार और मदीने के दीगर सहाबा ने इंतहाई इसरार किया हजरत अली से कि वो मुसलमानों की इस खिलाफत को संभाले, और शदीद इसरार के बाद आप बैत लेने पर तैयार हुए। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु वर्दा पौने 5 साल खलीफा रहे। खिलाफत का यह सारा जमाना उनके लिए बे इंतहा दुश्वार रहा, मशाकिल परेशानियां गम और दुख। पौने 5 साल सैयदना अली खलीफा रहे और ये दौर मुश्किलात से, परेशानियों से, तकलीफों और गमों से भरपूर रहा। कहने दीजिए, जिस पर मुश्किल आती है वो मुश्किल कुशा नहीं हुआ करता। अल्लाह के लिए तो गौर करो, ये कवालियां गाने वालों, मौला अली मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना। अली मुश्किल कुशा होते तो उन पे मुश्किल, अली मुश्किल कुशा होते, हैजत रवा होते, बिगड़ी बनाने वाले होते, मुसीबतें दूर करने वाले होते, हम किसी की बात नहीं करते, अकेले अली की बात करते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्दा। अगर उनके हाथ में ये सब कुछ होता अपनी खिलाफत के अय्याम तो खुश असलूबी से गुजार लेते। वो तो खिलाफत का सारा अरसा परेशानी और गमों में रहे, कहीं यहां लड़ाई है, कभी वहां लड़ाई है, कभी यहां फितना खत्म कर रहे हैं, कभी वहां फितना खत्म कर रहे हैं। सैयदना अली की पहली मुश्किल कि उस्मान खलीफतुल मुस्लिमीन शहीद कर दिए गए, और आम आदमी शहीद नहीं हुआ, खलीफतुल मुस्लिमीन शहीद हुआ है। इसके कातिलों को कैसे गिरफ्तार किया जाए? जो जिस पर मुश्किल पड़े वो मुश्किल कुशा नहीं हुआ करता, और जो सारी मुश्किलों को टाल देता है वो मुश्किल कुशा होता है, और वो जात सिर्फ अर्श वाले अल्लाह की जात है। बाकी सारे मंगते, बाकी सारे सवाली, बाकी सारे फकीर, बाकी सारे कल्लाश, बाकी सारे मुसीबतों परेशानियों में घिरे हुए और हर तरह की मुसीबत को दूर करने वाला एक अल्लाह। इन अरादनी अल्लाह बिज़ुर्रिन, अगर अल्लाह किसी पर मुसीबत मुश्किल परेशानी गम दुख उतारना चाहे, हल हुन्न काशिफातु ज़ुर्रिही, तो कोई है जो अल्लाह के अलावा इस आई हुई मुसीबत गम और दुख को दूर कर दे? सैयदना अली की खिलाफत में पहली मुश्किल, मुसलमानों का खलीफा शहीद हुआ है आम आदमी नहीं, रसूल का दामाद शहीद हुआ है आम आदमी नहीं, जन्नत का एक मजलिस में 7 मरतबा जन्नत का टिकट लेने वाला उस्मान शहीद हुआ है आम आदमी नहीं, फरिश्ते उससे हया करते थे आम आदमी नहीं, इसके कातिलों को कैसे पकड़े? और मुश्किल क्या थी? जब सैयदना उस्मान के घर का घेराव हुआ था तो घेराव करने वाले कितने थे? हजारों लोग थे। कोई मिस्र से आया, कोई कूफे से आया, कोई बसरा से आया, हजारों बागियों ने सैयदना उस्मान के घर का घेराव किया, और फिर कुछ अंदर दाखिल हुए और उन्होंने शहीद कर दिया। अब ये पता ही नहीं कि अंदर गया कौन था, मारने वाला कौन। तुम्हारे लसूड़ी शाह को इल्म गैब है, तुम्हारे फसूड़ी शाह को इल्म गैब है, कामा वाली सरकार को भी इल्म गैब है, पीर कुत्ते शाह को भी इल्म गैब है, लाहौर के कोड़े शाह को भी इल्म गैब है, एबटाबाद के खोते शाह को भी इल्म गैब है, मानसिरे के धनक्के पीर को भी इल्म गैब है, मुल्तान के शमस तबरेज को इल्म गैब है, गुजरात के डोले शाह को इल्म गैब है, और ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा हजारों का मजमा है,
इनमें से कुछ लोगों ने उस्मान को शहीद किया है, अली को इल्मे गैब। और अगर इल्मे गैब होता अली की माविया से जंग, अली की आयशा से जंग, उनका तो एक ही मुतालबा था। सैयदना माविया ने कहा था अपना हाथ आपके हाथ में दूंगा, अहले शाम आपकी बैत करेंगे, सिर्फ उस्मान के कातिलों को गिरफ्तार कर लो। पीरों फकीरों के बारे में इल्मे गैब का अकीदा रखने वालों, अली जवाब में कहते हैं माविया कैसे गिरफ्तार करूं, ये हजारों का लश्कर था और मुझे नहीं पता। मुझे कहते उतों तो कहते सानू नहीं पता, विचो सारा ही पता होता है। ये हमारे पीर जब कहते हैं ना सानू नहीं पता, उतो कहते हैं अंदर से इन्हें सारा पता होता है। अली रजी अल्लाह अन्हु वर्दा, पहली मुश्किल उस्मान के कातिलों को कैसे गिरफ्तार करें, और हर मोमिन के दिल की ये ख्वाहिश कि उस्मान के कातिल गिरफ्तार हो जाएं, उनके खून का बदला लिया जाए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वो कातिलों को पहचान और जान नहीं सकते थे, क्यों? मौके का गवाही कोई नहीं था। सैयदा नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ौजाए उस्मान, जब काफ़ ज़ालिमों ने अपनी तलवारों को बुलंद किया, ये उस्मान को बचाने के लिए दौड़ी और इनकी उंगलियां कट गई। और बागी या कूफे से आए थे या मिस्र से आए थे या बसरे से आए थे, नाइला उनको पहचानती नहीं थी, ना नाइला को इल्मे गैब, ना मौला अली को इल्मे गैब। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु वर्दा ने सूबों के नए गवर्नर मुकर्रर किए, उन गवर्नरों ने जाके पुराने गवर्नरों को हटाकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की। और जब उनका गवर्नर अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वर्दा के पास पहुंचा तो उन्होंने दस्तबरदार होने से इनकार करते हुए कहा।